हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रुचि ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी लेडीज़ के लिए जो प्रेग्नेंट हैं और जिनका फर्स्ट मंथ या कोई भी मंथ चल रहा है या उनकी डिलीवरी होने वाली है। सो उन सारी लेडीज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सो आप इसको पूरा देखना, एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और अपनी जितने भी रिलेटिव्स हैं या कोई भी दोस्त है या कोई भी है जो प्रेग्नेंट है उनके साथ ज़रूर शेयर करना। सो गाइज, आज 17 सितंबर है और कल 18 है। सो आज से ही पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। जिन्हें पता होगा बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। सो हम, जैसे कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मैं भी 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, मेरा भी 6 मंथ अभी रनिंग है, 7th स्टार्ट होने वाला है। सो ये जो फेस होता है हमारे लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत क्रिटिकल फेस होता है। बहुत ज़्यादा इसमें हमें ध्यान देना होता है। हमारे जैसे फैमिली में भी सब कहते हैं कि इसमें तुम्हें बहुत ध्यान देना है, इस टाइम पर बहुत केयर करनी होती है। तो छोटी छोटी बातों का हमें बहुत ध्यान देना होता है, बहुत केयर करनी होती है। सो पितृपक्ष ऐसा टाइम होता है जब नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव पावर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। सो उस टाइम पे हमें, जो स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या छोटे बच्चे हैं, बट ये वीडियो मैं स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बना रही हूँ तो मैं इसमें छोटे बच्चों का नाम नहीं लूँगी। बट हाँ, इसमें स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उन्हें बहुत ध्यान देना होता है। और हमें क्या करना है कि कोई भी परफ्यूम हमें नहीं यूज़ करना होता है, स्पेशली रात में। और ये टाइम जो होता है, ऐसा टाइम होता है कि आप सोचोगे कि ये क्या फालतू की धक्कानुसी बातें ऐसी कर रही है, बट गाइज, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो हमारे घर के बड़े होते हैं, वो आज से पहले से इन चीज़ों को फॉलो करते आए हैं और घर में लोग बोलते भी आए हैं कि ये चीज़ें हमें माननी चाहिए। बट अगर हम नहीं माने ना माने, ये हमारी मर्ज़ी है। पर जहाँ तक मुझे ऐसा फील होता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और हमें मानना चाहिए इन बातों को। सो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो कि आपको परफ्यूम यूज़ नहीं करना है। कोई भी तरह का परफ्यूम आप मत यूज़ करो इन दिनों में, और स्पेशली आप रात में मत करो। अगर आपको आदत है, आप नहीं रह सकते, तो आप रात में तो मत करो, बिल्कुल अवॉइड करो रात में यूज़ करना। उसके बाद सेकेंड जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि आपको रात में लेट नाइट कहीं भी अकेले बाहर नहीं जाना है। कभी भी आप कोशिश करो, कितना भी इमरजेंसी है, कुछ है, आप कोशिश करो कि आप मत निकलो घर से, क्योंकि ये टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसी जो एनर्जीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं और हमें अपना बहुत ध्यान देना होता है। और जो हमारे बच्चा हमारे पेट में होता है, स्पेशली हमें उसकी भी बहुत केयर करनी है। सो ये बात का ख्याल रखें कि आप रात में कहीं ना जाएं, कहीं ना निकलें, अकेले तो बिल्कुल भी ना निकलें। ज़रूरत है तो आप किसी के साथ जाएं। तो कोशिश करें कि आप इन दिनों में वेजिटेरियन ही खाना खाएं और नॉनवेज ना खाएं। और इसमें जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, जिनके माता पिता हैं वो पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का ही ध्यान करके एक ऐसी भगवान में ही शांति मिलती है। और जब तक आप पूजा पाठ नहीं करेंगे आपको शांति नहीं मिलेगी। सो आपको सबसे 40 पढ़ सकते हैं अपने मन को शांत रखने के लिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। पूजा पाठ में कोई रोक टोक नहीं है, जिनके माता पिता हैं वो पूजा पाठ कर सकते हैं। सो आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि अपने साथ हमेशा कोई ना कोई ऐसा लोहे का कुछ भी आपको कैरी करना होता है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं या फिर आप सो रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि आपको ऐसे कोई सपने आ जाते हैं ड्रीम कि आप उनसे डर जाते हैं, तो आप अपने नीचे नाइफ वाइफ ऐसा कुछ रख सकते हैं लोहे का, और जिससे कि आपको बुरे सपने ना आए और आप सोने से पहले प्रभु का ध्यान करके सोएं, भगवान का ध्यान करके सोएं। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप अपने पास हमेशा कोई ना कोई ऐसा लोहे का कुछ भी कैरी करें, वो कुछ भी रिंग हो सकती है लोहे की। आपने देखा होगा कि पहले लोग लोहे का मुनरी टाइप पहनाते थे हाथ में, अगर प्रेग्नेंट हो आप या आपकी लगन पड़ी है, शादी हुई पड़ी है। सो वो चीज़ें मानते हैं लोग, बुढ़ा मतलब जो हम कहते हैं कि यार पुराने लोगों के पुरानी सोच, ऐसा नहीं होता। पुरानी सोच में जो चीज़ें, जो बिलीव थे पहले के, वो आज भी चले आ रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो ट्रू हैं, तो हमें उन्हें मानना चाहिए। को खुद अपने बड़ों से पूछना होता है कि हमें किस तरह से इस टाइम पे रहना चाहिए। बाकी जो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा आपको जो अवॉइड करना है वो ये है कि स्पेशली रात में बाहर नहीं जाएं, परफ्यूम वगैरह यूज़ नहीं करें, कोशिश करें कि परफ्यूम यूज़ नहीं कर रहे हैं आप।
और कोशिश करें कि आप अच्छा वेज खाना खाएं और नॉन वेज ना खाएं, ऐसी कोई भी गलत काम ऐसा कुछ ना करें जिससे कि आपको लगे कि नहीं आपको कोई भी चीज़ नेगेटिव अट्रैक्ट कर रही है। सो आप अपना ध्यान दें, केयर करें, क्योंकि ये टाइम जो हमारे लिए होता है वो बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है और हमें अपना ख्याल खुद रखना होता है। सो बस इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।